Welcome to Blessing Today. Blessing Today में आपका स्वागत है। Thank you so much for watching these episodes every day faithfully. हर समय इस एपिसोड को देखने के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। I have collected a few comments from different people. अलग अलग लोगों से हमें कुछ कमेंट्स यहाँ पर आए हैं। This is from Rosemary George. ये आया है Rosemary George से। She writes, I am so thankful to you for all your teachings. ये कहती हैं कि आपकी सारी शिक्षाओं के लिए हम आपके आभारी हैं, आपका धन्यवाद। They have blessed and inspired and encouraged me during this one year, especially during the COVID season. आपकी शिक्षाओं ने हमें बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है, उत्साहित किया है, खास करके इस एक साल के कोविड समय के दौरान में। आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। Especially as I was not going out and had depression, it made me too close to Jesus and was touched by your family so dedicated and prayerful, which motivated me. खास तौर पे जब मैं बाहर नहीं जा रही थी और निराश थी, इससे मैं प्रभु के और नजदीक आई और पास आई, और आपके परिवार के लिए धन्यवाद जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया है। थैंक यू सो मच Rosemary George आंटी फॉर दैट वंडरफुल कमेंट। Rosemary आंटी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वन मोर इज देयर, दिस इज फ्रॉम प्रेम जाके। एक और कमेंट आया है, वो है प्रेम जाके से। थैंक यू फादर इन हेवन फॉर गिविंग मी द लविंग इंटीमेट नेम अब्बा फादर। आपका धन्यवाद कि आपने हमें अब्बा पिता इस नजदीकी और प्रेम से भरे हुए शब्द के बारे में बताया है। I can talk to you by closing the doors of my heart. अब मैं एकांत में परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकती हूँ, उसके नजदीक आ सकती हूँ। I can silently speak to you my worries, my joy, every little happiness, thanking you and praising you, singing to you and loving you in an intimate way. शांति से मैं अपनी खुशी आनंद बता सकती हूँ, खुशी के साथ प्रभु का धन्यवाद देते हुए प्रभु के नजदीक आ सकती हूँ। Thank you so much sister Premaja for that lovely comment. These comments are really encouraging us too. बहन प्रेमजा, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं इस बहुत अच्छे कमेंट के लिए। ऐसे कमेंट हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं। All right, let us pray for the sponsor. तो आइए, ये समय है स्पॉन्सर के लिए प्रार्थना करने का। Today's sponsor is a well-wisher. आज के स्पॉन्सर एक well-wisher है। Let's pray. Heavenly Father, आइए प्रार्थना करें स्वर्गीय पिता। I pray for a blessed marital life to this person. हम इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत आशीषित हो। Also Father, let the clinic be blessed in immensely, O Father, and abundantly, O Father. और साथ ही प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इनका क्लिनिक बहुत आशीषित हो और ये बढ़ते चले जाएं। And I pray for children's education, bless their education. बच्चों की पढ़ाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी पढ़ाई को आशीषित कीजिए। And give them a very good, blessed future. और उन्हें आशीषित एक भविष्य दीजिए। Thank you, Lord Jesus, for blessing this well-wisher in every aspect of this person's life. धन्यवाद यीशु, हमारे इस वेलविशर के जीवन में आप बहुत आशीषें दे रहे हैं इनके हर एक क्षेत्र में। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। So much all sponsors for partnering with this ministry. बहुत से स्पॉन्सर्स हमारी इस सेवकाई के साथ सहभागी बन रहे हैं। And I encourage you also to be a partner or a sponsor of Blessing Today. The details are shown on the screen or just go to our website. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हमारी सेवकाई के साथ आप भी जुड़ जाएं। सारी जो जानकारी है हमारी स्क्रीन पर दी जा रही है। Let us go to the praise and worship segment. तो आइए अब हम स्तुति आराधना में चलते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा का ये जमीन, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई चरणों में झुके आसमान और मां
कितना प्यार किया मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया हम गाए हो सेना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा हो वे सदा तू है प्रभु Last week we started expanding every letter in the name in the word father f a t h e r पिछले कई हफ्तों से हम पिता यानी फादर फादर के जो अक्षर हैं उनके बारे में हम सीख रहे हैं f a t h e r Today we are going to look into the last letter r और आज हम r जो अक्षर है उसके बारे में जानेंगे r means rebuke देखिए इसका मतलब है रेब्यूक यानी ताड़ना देना Don't be afraid, I will explain. आप बिल्कुल भी ना डरे मैं इसको समझा कर बताता हूँ Proverbs chapter 3, verse number 11 and 12. तो आइए हम इसे वचन में देखते हैं नीति वचन अध्याय 3, वचन 11 और 12 हम यहाँ पर पढ़ते हैं My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent his rebuke because the Lord disciplines those he loves as a father the son he delights in हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना और जब वो तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है the verse is very clear ये वचन बहुत ही स्पष्ट है the lord will rebuke he will discipline his children प्रभु अपने बच्चों को डांटता है और उन्हें अनुशासित करता है rebuking is a part of disciplining डांटना जो होता है वो अनुशासित करना होता है अनुशासन के लिए डांटना बहुत जरूरी है and disciplining is not punishing और अनुशासित करना यानी वो सजा देना नहीं होता punishment is sometimes a cold hearted way of giving a penalty for a crime or a sin. सजा देना या फिर दंडित करना ये तो सोच समझ कर ठंडे दिल से किसी को प्रताड़ित करना होता है दंडित करना होता है The attitude behind discipline is that of love. अनुशासन के पीछे का जो रवैया होता है वो प्रेम पूर्ण होता है But the attitude behind punishment is that of justice and anger. लेकिन दंड देने का जो पीछे का रवैया होता है वो न्याय और क्रोध का होता है Sometimes teachers in schools, they punish children. They make mistakes. हमने देखा है स्कूल्स में टीचर जो होते हैं बच्चों को दंड देते हैं And the court will punish the criminals. और कोर्ट अपराधियों को दंड देते हैं But a father never punishes, he disciplines.
लेकिन पिता कभी दंड नहीं देता, वो तो अनुशासित करता है, सुधार लाता है। So the Lord's discipline is a response of His love for us. इसीलिए परमेश्वर का अनुशासन हमारे लिए उसके प्रेम का प्रत्युत्तर है। Revelation chapter 3 and verse number 19. आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन नंबर 19। Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest. And repent. ये वचन कहता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसीलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। The Lord is revealing His heart for us. प्रभु अपने हृदय को हम पर प्रकट करता है। Because He loves us, He will rebuke us and He will discipline us. वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए हमें अनुशासित करता है, ताड़ना देता है। He says, be earnest and repent. इसीलिए वो हमसे कहता है सरगरम हो और मन फिराओ। Coming to Hebrews chapter number 12. तो आइए अब हम देखते हैं इब्रानियों अध्याय 12। We will start from verse number 5. और वचन नंबर 5 से शुरू करते हैं। This is an amazing scripture portion. ये वचन का सच में बहुत ही अद्भुत भाग है। And you have forgotten what word of encouragement that addresses you as sons, my son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. और तुम उस उपदेश को भूल गए हो, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान और जब वो तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। Verse number 6. Because the Lord disciplines those He loves and He punishes everyone He accepts as a son. वचन 6. आइए इसे पढ़ें। प्रभु जिससे प्रेम करता है, उसकी ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है, उसको कोड़े भी लगाता है। इस प्रकार से वचन कहता है। Actually, there we come across the word punishes, but I believe that is not the right translation. It is discipline. यहाँ पर जो शब्द कोड़े आया है, मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं है। मैं सोचता हूँ कि कोड़े लगाने की जगह पर अनुशासन शब्द होना चाहिए था। We are reading on verse number 7. Endure hardship as discipline. God is treating you as sons. For what son is not disciplined by his father? तुम दुख को ताड़ना समझकर सहलो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है, वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? So, did you notice one thing? Endure hardship as discipline. That means the difficult situations or the hardships that we go through in our life is a part of discipline. दुख को ताड़ना समझकर सह लो, ताड़ना मतलब अनुशासन होता है और जिन दुखों में से हम होकर जाते हैं, जिन दुखों और तकलीफों में से हम होकर जाते हैं, वो तो मानो कि हमारे लिए अनुशासन को लेकर आता है। Yes, coming to verse number 8, if you are not disciplined within brackets and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true sons. यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। That means if you are not receiving any discipline from God the Father, you are not a legitimate child of God, you are counted illegitimate. यदि आप परमेश्वर की तरफ से अनुशासन प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की नैतिक संतान नहीं हैं, तो हम फिर ये कह सकते हैं कि आपको परमेश्वर की अनैतिक संतान के रूप में जाना जाएगा। 9. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of our spirits and live? वचन 9. फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें? Number 10. Our fathers disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good that we may share in His holiness. वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। And one more verse, verse number 11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है,
तो भी जो उसके सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। I still remember when I first came to the Lord, I started living in faith, and slowly, sometimes I started receiving rebuking from God. मुझे याद है जब मैं पहले प्रभु में जब नया नया आया था, तब विश्वास में बढ़ रहा था और धीरे धीरे मुझे प्रभु ने जब ताड़ना देना शुरू की थी। First, I was really embarrassed. पहले तो सच में मुझे बहुत बुरा लगता था। Then I read this scripture portion in Hebrews chapter number 12. लेकिन जब मैंने ये वचन पढ़ा इब्रानियों अध्याय 12, I was greatly comforted. तो मुझे सच में बहुत तसल्ली मिली। Why? Because God has seen me as his own son. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने पुत्र के समान देखा। He disciplines me. If he is rebuking me, I am counted as his own legitimate child. उसने मुझे अनुशासित किया, मुझे ताड़ना दी। इसका मतलब ये है कि उसने मुझे अपनी संतान के रूप में माना है। I learned 8 lessons from this passage. मैंने इस वचन के भाग से 8 पाठ सीखे हैं। Number 1, if you don't mind, you can write this down. नंबर 1, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। Number 1, hardship is a part of discipline. देखिए, कठोरता जो होती है वो अनुशासन का एक भाग होता है। Yes. मुश्किलें अनुशासन का भाग होती हैं। Yeah. Number 2, when we are disciplined, God is treating us as his sons and daughters. नंबर 2, जब परमेश्वर हमें अनुशासित करता है तो वो हमारे साथ बेटे बेटियों जैसा व्यवहार करता है, बेटे बेटियां मानता है। And number 3, if we are not disciplined, we are not true sons. देखिए, अगर परमेश्वर हमें अनुशासित नहीं करते हैं तो हम उसके बच्चे नहीं हैं, हम उसके बेटे या बेटियां नहीं हो सकते, उसकी सच्ची संतान नहीं हो सकते। Number 4, when we are disciplined by the Lord, we should submit to him with all respect. नंबर 4, जब वो हमें अनुशासित करता है तो हमें पूरी तरह से उसको समर्पण करना चाहिए, उसके बच्चे होने के नाते। Because even when we were disciplined by the human fathers, we showed all respect. क्योंकि संसार का पिता जब हमें अनुशासित करता है तो हम उसका आदर करते हैं। Much more should we show respect to the father of our spirits. इसी तरह हमारे आत्मिक पिता का हमें और ज्यादा आदर करते चले जाना चाहिए। God disciplines for our good. क्योंकि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए हमें अनुशासित करता है। Because God has a great purpose behind it. क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर का महान उद्देश्य है। That is number 6. The purpose of disciplining is sharing in God's holiness. नंबर 6, परमेश्वर के अनुशासन का उद्देश्य ये है कि हम उसकी पवित्रता के सहभागी बनते चले जाएं। Number 7, discipline is painful in the beginning. नंबर 7, अनुशासन तो शुरू में पीड़ादायी होता है, उसमें हमें तकलीफ होती है। But number 8, once we are trained, it produces a harvest of righteousness. नंबर 8, जब हम उसमें ट्रेन हो जाते हैं तो ये धार्मिकता की फसल को उत्पन्न करता है। I still remember when I was a young boy, small boy. मुझे याद है जब मैं छोटा था। Sometimes I was very mischievous. कई बार मैं बहुत शरारतें करता था। And I used to quarrel with my sisters. मैं अपनी बहनों से लड़ते रहता था। So my mother would remember all these things. मेरी माँ इन बातों को याद रखती थी। When my father comes back from the work, she would report everything to my father. जब मेरे पिताजी काम से वापस आते थे तो मेरी माँ सारी बातें मेरे पिताजी को बताती थी। Finally, when my father was fed up, he would ask me, kneel down. और जब मेरे पिताजी परेशान हो जाते तो कहते थे घुटने पे आओ। And he would keep me on my knees for maybe half an hour or 45 minutes. और वो मुझे लगभग आधा घंटा या फिर 45 मिनट तक घुटनों पर ही रखते थे। And he would come with a stick. और फिर छड़ी लाते थे। And he would beat me. और मेरी पिटाई होती थी। First comes rebuke. पहले डांटना आता है। Then if I did so much wrong, he would beat me. अगर मैंने ज्यादा गलती की तो फिर मेरी पिटाई होती थी। But that was a part of my father's disciplining me. ये मेरे पिताजी के अनुशासन का भाग था। But I never counter-attacked.
लेकिन मैंने कभी इसका विरोध बिल्कुल नहीं किया। उनकी अधीनता में रहा। He was my father. वो मेरे पिता थे। In the same way, when God disciplines us also, we have to be submitted to Him and we have to respect Him and honor Him. इसी तरह जब परमेश्वर हमें अनुशासित करते हैं तो हमें उसकी अधीनता में रहना है और हमें परमेश्वर का आदर करना है। And the result of the disciplining of father also we can collect from these verses. और पिता के द्वारा अनुशासन की जो बातें हैं वो हम इन वचनों के द्वारा यहाँ पर याद रख सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। Number one is repentance. Number एक है मन फिराना। Number two, our character will change. Number दो, हमारा चरित्र बदलता है। Then number three, destruction of the yoke of sin over us. Number तीन, हमारे ऊपर से पाप का बंधन टूटता है। We will come to God's holiness. हम प्रभु की पवित्रता में आते हैं। Our faith will become stronger. हमारा विश्वास बलवान होता है। Patience will develop in us. हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, हम उस धीरज में बढ़ते चले जाते हैं। We'll have a renewed relationship with our father. हमारे पिता के साथ हमारा नया संबंध होता है, रिश्ता बनता है। There will be a harvest of righteousness in our life. और अंत में हमारे जीवन में धार्मिकता की फसल उत्पन्न होती है। Hallelujah. Hallelujah. Isn't that wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है? So let's pray. Father, thank you for disciplining us. Thank you for rebuking us, Father. पिता, हमें अनुशासित करने के लिए और हमें ताड़ना देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। And help us, Father, to submit to you. हमारी मदद कीजिए पिता कि हम आपकी अधीनता में इसी तरह बने रहें। I have a good news for you. मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। Some people have sponsored some prayer diaries for those who have no money to buy a prayer diary. कुछ लोगों ने प्रेयर डायरी के लिए स्पॉन्सर किया है जिनके पास प्रेयर डायरी नहीं है, मतलब ऐसे लोग जिनके पास प्रेयर डायरी खरीदने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है, उसके लिए स्पॉन्सर किया है। So if you want, if you are such a person, just send your full address and your other detail, which language you want. We have English, Malayalam, Hindi, which language you want, to the mobile number that is shown on the screen. और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, आप केवल हमें अपना पता भेजिए और आपको ये प्रेयर डायरी किस भाषा में चाहिए, हिंदी, इंग्लिश या मलयालम में, आपको किस भाषा में चाहिए, ये जानकारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें भेजिए, हम आपको इसे भेजेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेस एपिसोड। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू टुमारो, बाय बाय। प्रभु आपको आशीष दे, आपसे फिर मुलाकात होगी, बाय बाय। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा का ये जमीन, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों झुके आसमान और महिमा का ये जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो वे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, मेरे
पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेनाओं तू राजाओं का है राजा, प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो वे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु।